नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा ऐसे सांसद को लोकसभा में रहने का अधिकार नहीं। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को सीजेआई ने दिया झटका, कैब पर सुनवाई से भी किया इनकार, वकीलों को दी नसीहत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सही साबित हुई भविष्यवाणी, पिछले महीने ही कहा था मंदी से बिगड़ेंगे हालात। महाराष्ट्र में हार के बाद बीजेपी में भड़की बगावत की आग तेज, अध्यक्ष के सामने पंकजा मुंडे ने दिखाई तल्ख तेवर। महज 2000 में 16 घंटे काम करते थे नाबालिग मजदूर, दिल्ली अग्निकांड में जिंदा बचे बच्चों ने सुनाई आप बीती। राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब हाउ मोदी वन इंडिया में किया दावा, अमित शाह ने हमेशा की हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली राजनीति। सरकार के खिलाफ 7 राज्यों ने उठाया विरोध झंडा, पूर्व एजी बोले राज्यों को कैब लागू नहीं करने का है हक। सिटीजनशिप एक्ट पर लालू यादव ने किया ट्वीट, का आप लोग मायूस मत होना, बीमार अभी जिंदा है। सड़कों पर लोगों को मिठाई खिलाते नजर आए बीजेपी महासचिव, कहा ममता लागू नहीं करेगी कैब तो केंद्र करेगा। कैब के ऊपर प्रशांत किशोर ने दिखाया तल्ख तेवर, कहा गैर भाजपाई सीएम ही बचा सकते हैं भारत। जामिया मिलिया के छात्र और पुलिस के बीच भिड़ंत, जमकर हुई पत्थरबाजी, दिल्ली में सिटीजनशिप एक्ट को लेकर मचा बवाल। सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया के छात्र पर लाठीचार्ज, दर्जनों छात्र घायल, आईसीयू में पुलिस के 2 जवान भर्ती। दोषी की याचिका के खिलाफ अदालत पहुंची निर्भया की मां, न्याय की लगाई गुहार। पानीपत के बाद विवादों में फंसी अजय देवगन की तानाजी फिल्म, कोहली राजपूत संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका। विदेशी मां की संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती, चाणक्य के जरिए भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 34वें स्थान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फोर्ब्स की सूची में भारत की कई महिलाएं शामिल। कैब को लेकर पूर्वोत्तर में हुआ विरोध प्रदर्शन तेज, गृह मंत्री अमित शाह ने रद्द किया कई दौरा। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुई बारिश, खराब श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण। बिहार के कई हिस्सों में हुई बारिश, सूबे में ठंड ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।